हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम गोपाल जी के लिए कॉटन हैंकी से पोशाक बनाने वाले हैं और इस तरह के पोशाक बना रहे हैं जिसको बनाना बहुत ही इजी है। इस तरह से गले में डाल करके इसको हम यहाँ पे बांध देंगे, लॉक कर देंगे और एक बाजू इधर से आ जाएगी और एक बाजू हमारे इधर से आ जाएगी और बनाने के बाद में ये चारों साइड में हमारा खुला रहेगा। और साथ में हमने ये नेपी बनाई हुई है, ये इस तरह से पहना के इसमें इस धागे को डाल करके डोरी को, और फिर इसको हम टाइट यहाँ पर कमर के हिसाब से बांध देंगे। और साथ में हमने खूबसूरत सी कैप बनाई हुई है, ये राधा जी में भी आ जाएगा और गोपाल जी में भी आ जाएगा। ये दोनों साइज के गोपाल जी लोग में आ जाएगा, दो नंबर में भी आप डाल सकते हैं और तीन नंबर में भी डाल सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर हमारी कैप भी बन के कम्प्लीट है। तो चलिए देख लेते हैं। एक बार वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बन रही है हमारी ये ड्रेस। इसको बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक कॉटन हैंकी लिया है क्योंकि गर्मी का सीज़न है तो हम गर्मी का ही पोशाक बना रहे हैं। और इसको किसी भी साइड से हम एक साइड से ये लगभग 2.5 इंच से के लगभग हम कपड़े को कट करेंगे, मार्क इधर लगा देंगे और इतना ही मार्क हम इधर लगाएंगे, इधर से लगाना है और यही वाला मार्क इधर से हम 2.5 इंच के लगभग लगाएंगे। ये देखिए 2.5 इंच हमने ले लिया है, इधर से भी लगा लेंगे और इतना ही मार्क हम इधर से भी लगाएंगे। ये देखिए 2.5 इंच इधर से भी हमने ले लिए और इसको लगाएंगे। अब दोनों साइड से हम इसको बराबर मैच करके कट करेंगे इस तरह से, और इधर के साइड से भी जो हमने मार्क लगाया है ये देखिए, एक यहाँ पे हमने लगाया है और एक यहाँ पे लगाया है। ये दोनों साइड को मार्क लगा करके दोनों साइड का जो किनारी बना है हमारा, ये दोनों को हम कटिंग करेंगे। तो चलिए पहले इतना कम कर लेते हैं। इस तरह से दोनों पीसेस को हमने कट कर लिए हैं। अब जो बाकी का हमारा पीस है, इस पीस को हम लगभग 1 इंच चौड़ा इसको कट करेंगे, 1 इंच। ये देखिए यहाँ पे मार्क लगा लेंगे और एक मार्क यहाँ पर हम लगा लेंगे 1 इंच, और इसको भी इसी तरह एक वाला लाइन हम यहाँ है और यहाँ पर हमारा है, इसको हम कट कर लेंगे, इसको भी कट करके फिर आपको आगे बताएंगे। अब हम टोपी बनाएंगे तो कैप बनाने के लिए इनको पहले ये जो हमारा साइड का कपड़ा बचा है इसको इस तरह से हम डबल फोल्ड कर देंगे, और डबल फोल्ड करने के बाद में इस पर इस तरह से हम मार्क लगाएंगे। इस तरह से ये देखिए, इस तरह से मैं आपको क्लियर दिखा रही हूँ कि मार्क लगाएं। अब इसको हम कट करेंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि इसको हमने डबल पीस करके कट किया है, इसलिए हमको इसको इसी तरह से रखना है और जो हमने मार्क लगाया इस पर हमें सिलाई लगाना है। और बाकी जो कपड़ा बचा है इसको हम कट करके अभी इसको निकाल देंगे, और बाकी जो हमारा कपड़ा है इसको यहाँ से हम लगभग 1.5 इंच के जो ये हमारी चौड़ाई के साइड से कपड़ा बची है इसको हम कट कर लेंगे। इसको यहाँ से यहाँ तक हम कट करेंगे इस तरह से। तो चलिए इसको भी कट कर लेते हैं। इसके बाद जो हमारा ये कपड़ा बचा है, इस कपड़े का उनके लिए हम नेपी बनाएंगे। तो पहले इस कपड़े को हम इस तरह से डबल कर देंगे, हमने इस कपड़े को बराबर सेट करते हुए इसको हमें डबल करना है। डबल करने के बाद में हमें क्या करना है कि इस कपड़े को इस छोर से लेकर के यहाँ तक और इस छोर से लेकर के यहाँ तक इसको हमें फोल्ड करना है, या मैं आपको नाप के इंची टेप से ही बता दे रही हूँ। ये पूरा हमारा लगभग 4 इंच कपड़ा है, 4 इंच में इधर से 1.5 इंच हमारा जाएगा और इधर से भी हमारा 1.5 इंच आएगा, 1 इंच को हम बीच में खाली रखेंगे। तो यहाँ पे पहले मार्क लगा देते हैं,
डेढ़ इंच इधर हमारा हो गया, और इसके बाद एक इंच हम गैप रखेंगे यहाँ पर। ये ग्रीन वाला फ्लावर है हमारा, यहाँ से इस तरह से हम यहाँ और इस तरह से यहाँ पर हम इस कपड़े को कट करेंगे। तो चलिए पहले इस तरह से हम कट कर लेते हैं। इस तरह से इस कपड़े को हमने कट कर दिया। अब चलिए सिलाई करना आपको बताएंगे। पहले सबसे पहले इस पर हम इस तरह से प्लेट देंगे, और हमारा ये कॉटन क्लॉथ है, इस पर प्लेट भी बहुत ही अच्छे से बैठ जाएगा हमारा। इसी तरह से दूसरे वाले पर भी हम प्लेट दे लेते हैं। देने के बाद में फिर आपको बताएंगे कि उसके आगे हमें क्या करना है। ये देखिए इस तरह से हमने इस पर प्लेट दिया है। तो चलिए दोनों पर दे ले। पहले हमने दोनों पीसेस को सिल करके कंप्लीट कर दिया है, और हमारा ये देखिए ये दोनों की लंबाई जो ये चौड़ाई है ये हमारी बराबर हो रही है। अब हमें क्या करना है कि ये हमारा सीधा साइड है, इसको हम इधर रखेंगे, और सॉरी ये हमारा सीधा साइड है इसको हम इधर रखेंगे, और ये हमारा सीधा साइड है इसको हम ऊपर रखेंगे। तो इसको दोनों को हमें उल्टा सीधा देखते हुए इस तरह से हमें लेना है। ये दोनों सीधा हमारा अंदर आ जाएगा जब उल्टा करेंगे, तो इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक अब हमें सिलाई करना है। इसको ये पार्ट हमें सिलना है साइड का। फिर यहाँ से हमें वापस हो जाना है। इसको उल्टा के साइड से हमने ये सिल दिया है, ये हमारा सीधा है, उल्टा के साइड से हमने इसको सिलाई कर दिया है। अब जो ये हमारा पार्ट दिख रहा है इसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है। इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पर आएंगे, और इसको सिलते हुए इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगाना है। किनारी है इसका, हम नहीं भी सिलेंगे तो हमारा चल जाएगा, फिर सिल देंगे। तो खुले कपड़े में जैसे कैसे सिलाई करेंगे उसके लिए हम आपको बता रहे हैं। इसको यहां से इसको इस तरह से हम पलट के सिल देंगे। इस तरह से एक साइड का हमने सिलाई करके कंप्लीट कर दिया है। इसी तरह से दूसरे साइड के भी सिलाई को हमें कंप्लीट करना है। तो चलिए दूसरे साइड भी कर लेते हैं। पहले इस तरह से हमने दोनों साइड में इसको सिलाई करके कंप्लीट कर दिया है। ये हमारा उल्टा है और ये हमारा सीधा साइड है। अब इसको हमें उल्टे के साइड से किसी भी साइड से एक साइड से इस पट्टी को इस तरह से थोड़ा सा आगे बढ़ा करके लेना है, और लेकर के सिलाई करना है। इस पर इस तरह से रख करके हमें सिलाई लगाना है ताकि हमारी सिलाई भी सब जगह दिखती रहे और सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो जाए। इस पट्टी को थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए ये जो सिलाई है यहाँ से इसको हम रख करके सिलेंगे। और जब यहाँ पर आएंगे, जब ये हमारा छोर ख़त्म हो रहा है यहीं पर ये इसको हम ज्वाइंट कर देंगे, और इसी कपड़े के साथ में अटैच करके इसको हम सिल देंगे इस तरह से। इस तरह से यहाँ तक का सिलाई हमने कंप्लीट कर दिया है। अब इसको हम इस साइड से पलट देंगे। पलटने के बाद में इस पट्टी को हमें फोल्ड करके इस पर सिलना है, जैसे कि हम कमर की सिलाई करते हैं। तो इसको यहाँ से हम पहले सिलेंगे, इसको थोड़ा सा इधर से मोड़ेंगे, थोड़ा सा इधर से मोड़ेंगे, और इसके बाद इस तरह से हम फोल्ड करके इस पट्टी की सिलाई लगाएंगे। तो चलिए इसको इसी तरह से हम सिलेंगे।
इस तरह से इसको हमने सिल करके कंप्लीट कर दिया है। ये देखिए, एक बाजू यहाँ से हम डालेंगे और इसको इस तरह से जब डालेंगे तो हम गले में साइड से, किसी भी साइड से इसको इस तरह से बांध देंगे। एक बाजू हमारी इधर से आ जाएगी, एक बाजू हमारी इधर से आ जाएगी और ये हमारा गले में होगा और पूरा बदन इनका इस तरह से नीचे तक लटका हुआ रहेगा, कवर हो जाएगा। अब चलिए कैप बनाना बताएंगे हम आपको। कैप के लिए सबसे पहले जो हमने ये पीसेस कट किए थे, इस पीस को हम ठीक उल्टा कर लेंगे इस तरह से, और उल्टा करके इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो ये साइड वाला छोड़ देंगे, जो हमारा गोल पोर्शन है इसी को हम सिलेंगे। तो चलिए पहले इसको सिल लेते हैं यहाँ से। इस तरह से हमने इसको सिलाई करके कंप्लीट कर दिया। अब इसको जब फोल्ड करेंगे तो ये इस तरह से हमारा फोल्ड होगा। ये देखिए, इस तरह से हमारा ये जब सिलाई करेंगे तो ये अंदर में आ जाएगा यहाँ पर, ये इस तरह से हमारा निकलेगा। इसको थोड़ा अच्छा से अभी और भी कपड़ा जो है इसको सेट करना पड़ेगा। अब इसको इस तरह से सिल करके रेडी करने के बाद में इसको साइड करते हैं और इसको थोड़ा सा ये जो किनारी हमने कट किया था इसको इस पर सिलाई लगाएंगे। और जब सिलाई लगाएंगे तो इसको बीच सेंटर में यहाँ पर रख करके हम सिल देंगे। एक बार और सिल लेते हैं इसको ताकि हमारा ये प्रॉपर मजबूत हो जाए। अब इसके बाद ये जो साइड वाला पोर्शन है इसको भी हम सिल लेंगे। ये देखिए हमारा ये बीच सेंटर, ठीक बीच सेंटर में ही आ रहा है, यहाँ से हम इसकी सिलाई लगाएंगे। अब इसको सुई धागे से ये ऊपर में हमें सिलाई करना है। इसको इस तरह से यहाँ से उल्टे के साइड से ही हमें सिलना है। तो पूरा सिल लेती हूँ मैं इस तरह से। इसकी सिलाई करके हमने ये देखिए कंप्लीट कर दिया इसको। अब ये सुई धागा जो है, ये धागे को नोट भी लगा दिया है, नोट लगा करके इसको कट कर दिया हमने। अब इसको फोल्ड करके इस तरह से हम कैप को देखेंगे। तो ये देखिए कितनी प्यारी हमारी ये आप देख सकते हैं कितनी प्यारी और कितनी सुंदर हमारी इनकी कैप बन के कम्प्लीट है। एकदम जैसे रेडीमेड कैप मिलता है उसी तरह का हमारा ये कैप है। जब बनाएंगे तो इसकी लुक आपको अच्छे से और भी लगेगी। अब चलिए नीचे का नेपी बनाना बताएंगे। नेपी के लिए सबसे पहले ये जो हमारा कपड़ा सीधा है इसको हम इस साइड से उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद में इसकी सिलाई हम लगाएंगे। यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगाएंगे। ये साइड हम खुला छोड़ेंगे। तो चलिए सिल लेते हैं पहले।
इस तरह से सिलाई करके ये जो पोर्शन हमने 1 इंच का खुला छोड़ा था, यहाँ से हमने इसको फोल्ड कर दिया। अब फोल्ड करने के बाद में इसको एक नारा रस्सी डाल करके इस पर हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर दिया है और इसमें हमने डोरी डाल दिया है। इस तरह से इसको हम सिल लेंगे। और रस्सी हमारी सरकनी चाहिए, तो ये देखिए हमारी रस्सी भी सरक रही है। यहाँ तक सिल करके इसको हमने कंप्लीट कर दिया है और इसमें डोरी डाल दिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि एक इसमें का कतरन था, इसका पतला हमने एक इस तरह से रस्सी की तरह सिलाई कर दिया है। सिलाई करने के बाद में इसको इस तरह से हम डबल फोल्ड करेंगे। करने के बाद में इसमें इसको डाल देंगे। डालने के बाद में इसको अच्छे से हम फोल्ड करके इस तरह से इस पर सिलाई लगाएंगे। तो चलिए सिल लेते हैं। पहले इस तरह से हमने इसको नेपी को सिल करके कंप्लीट कर दिया है। जब पहनाएंगे इसको तो हम दोनों साइड से पहना सकते हैं। इस साइड से इसको डालेंगे। डालने के बाद में इसमें रस्सी फंसा के इस तरह से रस्सी फंसा के और इसको यहाँ से इस तरह से खींचेंगे और इसको इस तरह से खींचेंगे। और खींचने के बाद में ये हम बांध देंगे। ये हमारा पीछे पोर्शन आ जाएगा और ये हमारा आगे की तरफ पोर्शन हो जाएगा। तो ये हमारी गोपाल जी की ड्रेस बन के तैयार है। 3 नंबर के गोपाल जी के लिए हमने ये ड्रेस बनाया हुआ है और बहुत ही आराम से ये 2 नंबर में भी डाल सकते हैं, 3 नंबर में भी डाल सकते हैं। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।